तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी वन खरीफ क्रॉप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2021 के जो 2021 में पेपर हुए थे उसमें पूछे गए थे ये वाले क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ, एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा होता है। तो धान की फसल में सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक, देखिए ऑप्शन है अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, ग्वार का वनस्पति नाम, ग्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है मालूम है। ये भी पूछा गया आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर देना। ठीक है, तो पहला देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, ग्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन में है साइमा पपिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा है मेडिकागो सेटाइबा। तीसरा है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। नंबर फोर पे है पेनिसिटम परप्यूरियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साइमा पपिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आप पहला आंसर नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन पे देखिए, तिल की फैमिली। तिल की फैमिली ये भी बहुत बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तिल की खेती पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपिक में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो तिल की फैमिली में पूछा गया है आपके स्क्रीन सामने, तिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप तो देखिए, पहला ऑप्शन है पेडालियोसी चीनी पोडियसी। ठीक है, नंबर सी पे देखिए सोलेनेसी। नंबर फोर पे है मालवेसी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडालियोसी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेडालियोसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, नंबर चार पे है मूंगफली के दानों में तेल प्रतिशत, कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है। ठीक, मूंगफली दाने में, तो मूंगफली के दाने में ऑप्शन देखिए 20%, 30%, 45% या 18%। तो आप लोगों को बता दें, मूंगफली के दाने में तेल की प्रतिशत मात्रा 45% होती है। ठीक, नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन सामने, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा किस्म। ऑप्शन ए बलुई मृदा, चिकनी दोमट मृदा, ऑप्शन सी है ए बी दोनों या सभी। तो इसमें आप मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा क्या होती है। उपयुक्त मृदा बहुत ही लाभदायक मृदा बलुई मृदा होती है। क्या होती है, बलुई मृदा। ठीक है, उर्द्व का उत्पत्ति स्थल बताइए। उर्द्व का उत्पत्ति स्थल, मूल स्थान उर्द्व का। ठीक, नंबर ऑप्शन है चाइना। नंबर बी पे इंडिया। सी देखिए ऑप्शन है बांग्लादेश। डी ए सीलोन। तो बताइए इसमें आपका उत्पत्ति स्थान क्या है। उर्द का उत्पत्ति मूल स्थान उर्द का जन्म हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजरा का वनस्पति नाम क्या है, बाजरा का वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम देखिए, ऑप्शन है पेनिसिटम परप्यूरियम। नंबर बी पे देखिए क्रोटोलेरिया। ठीक, नंबर सी पे देखिए कारकोरस। नंबर डी पे देखिए पेनिसिटम टाइफोइडस। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिटम टाइफोइडस। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। PHB 71 संकर प्रजाति किसकी प्रजाति है ये।
तो ऑप्शन ए धान, बाजरा, अरहर, कपास। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धान। धान की है ये प्रजाति संकर वन 71 PHB। मिलेट फसल है, मिलेट फसल कौन सी है? ऑप्शन है जौ, गन्ना, बाजरा, जूट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ठीक, बाजरा है, पटलिंग क्रिया संबंधित है। पटलिंग, तो पटलिंग क्रिया कितने संबंधित है? राइस, धान से संबंधित है। कितने? धान, राइस। डेंट वनस्पति रूप से जाना जाता है, डेंट कॉर्न वनस्पति रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है जिया मेज, इंडी डेंटाटा। ठीक, नंबर बी पे देखिए जिया मेज इंडियोराटा, नंबर सी पे देखिए जिया मेज इबरेटा इबरेटा, नंबर डी पे देखिए जिया मेज एमाइलेशिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिया मेज इंडी डेंटाटा, ऑप्शन ए। ठीक, धान का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए धान का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य यूपी, बताइए यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसी लगी है बताइए कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।